30 दिन अपना आपा खोया और उनके वापस आने के बाद उन सभी निर्दोष गरीब जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, केवल अपना अधिकार मांग रहे थे अपने मुख्यमंत्री से, उनको जो है जेल में घुसवाने का काम किया। आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि लोग जो हैं आक्रोश में। कल भी सरकार के प्रति इन लोगों का गुस्सा जो है छूटा, और लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि जिनको उन्होंने चुना है उनसे वो सवाल कर सके। कल कुछ नौजवानों ने 19 लाख रोजगार में से पूछा कितने रोजगार हमको मिले, यार 19 लाख रोजगार जो है कब मिलेगा। नीतीश जी ने अपना आपा खोया और उनके वापस आने के बाद उन सभी निर्दोष गरीब जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, केवल अपना अधिकार मांग रहे थे अपने मुख्यमंत्री से, उनको जो है जेल में घुसवाने का काम किया, जेल में बंद कर दिया। क्यों अरेस्ट किया गया भाई? ऐसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था, बस उन्होंने तो यही लिखा था कि 19 लाख रोजगार का वादा का क्या हुआ। मेरा हम आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हमारी पार्टी जो है बेरोजगारी को लेकर रैला गांधी मैदान में हम लोग बुलाने का काम करेंगे, और हम लोग तो सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो छात्र, जो गरीब नौजवान जो है जिनको आपने गिरफ्तार किया है, वो सबको जो है जल्द से जल्द अविलंब छोड़ने का काम करें। इसमें उन मासूमों का क्या दोष है भाई, जो आपने जो है ये तो तानाशाह रवैया हुआ ना, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।